फिट बॉडी उसको हम कैसे चार्ज करते हैं, एक मेथड तुम्हारे पास था कौन सा, चार्जिंग बाय रबिंग, क्या बॉडीज को रब कर दिए, ठीक है, एंड देन वी हैव चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स टू ट्रांसफर इफेक्ट, मतलब आप किसी इफेक्ट को किसी बॉडी पे ट्रांसफर कर दिए विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो ट्रांसफर एन इफेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है. ये फिजिक्स में एक दो जगह आएगा इंडक्शन इफेक्ट, कि किसी इफेक्ट को ट्रांसफर करना विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा यार, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे बिना उसको टच किए भी है. अभी हम रबिंग में क्या करते थे, उसको हम रब करते थे, ठीक है. इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इंपॉर्टेंट यार सबको बोलता रहता हूँ, बट एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. देखते हैं क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में. अब इंपॉर्टेंट पूछोगे कैसे पता चला इंपॉर्टेंट है, ये भी 16 में 15 में इस पे बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है. और जेई में भी इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक. तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा. दो मेथड होते हैं, पहले डिस्कस करते हैं. यार आपको ग्राउंडिंग समझ में आ गया, ग्राउंडिंग मेरा बताने का पर्पज यही था, ठीक है, कि हम आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन समझाएं, ठीक. तो देखो भाई, कोई बोलता है कि यार इसको ना इसको नेगेटिव चार्ज करो, स्फीयर है इसको मैं नेगेटिव चार्ज करना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू चार्ज स्फीयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक. तो क्या करेंगे हम, इसके पास में ग्लास की रॉड लाएंगे, और आपको पता है ग्लास की रॉड कैसी होती है, याद कर लो इसको, कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक. पूछता है बोर्ड में भाई ग्लास की रॉड पॉजिटिव हो गई, देन देयर इज स्फीयर एंड दिस स्फीयर इज माउंटेड ऑन इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके, दिस स्टैंड इज इंसुलेटिंग, ठीक. अब देखो भाई कंडक्टर्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, क्या बताया मैंने कंडक्टर्स पे, कि कंडक्टर्स पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमने के लिए फ्री होते हैं, ठीक है. तो क्या होगा यार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इंसुलेटर कंडक्टर में, देखिए वो मैं स्किप कर जाता हूँ, इसको वहीं पे नोट करना जाके, ठीक है, कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो ना, तो ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक. जैसे कोई आयरन का स्फीयर है या कोई रॉड है, कुछ भी आप उसको चार्ज देंगे तो पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग भाग के इधर उधर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है. इंसुलेटर में कंडक्शन ही नहीं होता है, तो आप जहां पे चार्ज रखोगे चार्ज वहीं बैठा रहेगा, लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है. तो अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली तो नहीं बट इट विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट इट सर्फेस, ठीक है, पूरे सर्फेस पे फैल जाएगा चार्ज, दिस इज कंडक्टर, ओके. एंड व्हाट अबाउट इंसुलेटर, अगर मैं इंसुलेटर को यहां पे चार्ज देता हूं इस जगह, तो बस वो यहीं बैठा रहेगा, इट विल नॉट मूव Anywhere from here. This is localized, okay? This charge is localized and this is uniformly, not uniformly, let me write, distributed throughout its surface. ये uniformly क्यों नहीं हो रहा है, ये point of discussion है, we'll discuss it later, okay? But ये ध्यान रखना, conductor में charge फैल जाता है, ठीक है, पूछ लेता है इस पर conductor insulator में क्या difference है. तो कनेक्टर में चार्ज पूरे में फैल जाता है, इंसुलेटर पे जहां देंगे चार्ज वहीं बैठा रहेगा, ठीक है. चलो यहां पे आते हैं, दिस इंसुलेटिंग स्टैंड, सो चार्ज कैन नॉट फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू दिस स्टैंड, इसको हमने रख दिया, दिस इज प्लस चार्ज. इस पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर पे, दिस इज कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच के इधर आ जाएंगे, सारे निगेटिव चार्ज यहां जाएगा, अरे प्लस खींच लेगा उसको यार. अब तुमने क्या पढ़ रखा है कि वॉट इज चार्ज, वॉट इज निगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज. तो ऑब्वियसली बात है यार, ये इधर से मूव करके आए होंगे तो यहां पे कैसा चार्ज आएगा, यू विल गेट पॉजिटिव, ठीक है. दिस इंसुलेटर स्टैंड, ये इंसुलेटर नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सारा चार्ज नीचे चला जाएगा, समझे. और आप इसको यहां पे आके चुपचाप धीरे से ग्राउंड कर दिए, दिस इज सिंबल ऑफ ग्राउंडिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना. ग्राउंड कर दिया आपने, क्या होगा बताओ, अभी बताया आपको ग्राउंड को रास्ता मिलेगा तो चार्ज को खींच लेगा, तो ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा बताइए, ये प्लस चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में, ठीक है. तो जब इसके बाद नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, अब तुम बोलोगे यार ये माइनस चार्ज क्यों नहीं जा रहा है, प्लस चार्ज तो चला गया, तो माइनस चार्ज इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इस माइनस चार्ज को इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है. तो जब आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव करके चला जाएगा, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट फिगर था, ये सेकंड फिगर, एंड व्हाट हैपेंस इन थर्ड फिगर, वी यहाँ पे की होती समझे, वी जस्ट ओपन दिस की, नाउ ओपन दिस की,
जब इस की को ओपन करोगे देन क्या बनेगा बताइए भाई, की को ओपन करोगे तो यू हैव पॉजिटिव एंड हियर यू हैव नेगेटिव एंड दिस की इज ओपन, ठीक है। थर्ड केस हो गया, अब क्या करते हैं रॉड को हटा देते हैं। जब रॉड को हटाएंगे तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बताओ, जब आप रॉड को रिमूव करोगे तो ये पूरा चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली नेगेटिव आ जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया चार्जिंग में इंडक्शन, हमने इसको टच नहीं कराया। प्लस रॉड को पास मिलाए, रॉड को पास मिलाने पे उस पर पोलराइजेशन हुआ, एक तरफ नेगेटिव आया और एक तरफ पॉजिटिव आया। पॉजिटिव को हमने ग्राउंडिंग करके क्या कर दिया, ग्राउंड में उतार दिया, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ पे रह गया। फिर हमने स्विच को ओपन कर दिया, रॉड को दूर ले गए, एंड नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट सर्फेस। स्फीयर में यूनिफॉर्मली हो जाएगा चार्ज, ठीक, स्फीयर में बिल्कुल बराबर चारों तरफ फैलेगा चार्ज। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक। एंड नाउ वी हैव अनदर मेथड, ठीक है, एंड देयर यू डोंट हैव टू यूज एक्चुअली ग्राउंडिंग, ठीक है, आपको ग्राउंडिंग यूज नहीं करनी पड़ती है, यू कैन चार्ज विदाउट ग्राउंडिंग। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट ग्राउंडिंग एंड एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन विद ग्राउंडिंग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमें ग्राउंड नहीं करना है तो थोड़ा हमारा काम बढ़ जाएगा। नाउ वी नीड टू स्फीयर्स, ये दो स्फीयर्स हो गए, ठीक है, और इनको हमने टच करा के रख दिया, और यहाँ पे हमें ग्लास की रॉड ले आए, ये पूरा सिस्टम बन गया, ठीक है। इनको आप एक कंडक्टर मान सकते हो, तो ये प्लस रॉड क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव ले आएगा और यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ले आएगा, ठीक। इनको धीरे से अलग कर देते हैं, इनको आप धीरे से अलग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव रह जाएगा, एंड हियर यू हैव दिस रॉड। इसको पकड़ के रखना है यार, ऐसा ना हो कि आप इसको रॉड को हटा दो, हटाओगे तो क्या होगा, फिर से कमेंट कर देगा, ठीक है। रॉड को रखे रहना है यहाँ पे, फिर इनको अलग कर देना है। अब ऐसे हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, और फिर रॉड को हटा लेते हैं। जब रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा बताओ, जब रॉड को हटाओगे यू विल हैव नेगेटिव चार्ज एंड ऑन दिस स्फीयर यू हैव पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसकी, ग्राउंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं हम लोग।